कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सात्विक भोजन ग्रहण करने से हमारे विचार भी सात्विक होते हैं। जितना हम स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं उतना ही हमारा शरीर भी शांत रहता है और हम में एक ऊर्जा जागरूक रखता है। शरीर में खाना ग्रहण करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही व्यायाम भी करें। व्यायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह की रुकावट नहीं रहती। ऊर्जा अच्छी तरीके से शरीर के हर हिस्से में संचालित होती है। अगर ये ऊर्जा कहीं रुक जाती है तो हमें बीमारियाँ होती हैं, साथ ही हमारे में तनाव पैदा होने लग जाते हैं या हमारे आसपास अलग सी परिस्थितियाँ होने लग जाती हैं जो हमें ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करवाती। कभी भी अगर मन कमज़ोर हो रहा हो या दुखी हो रहा हो तो थोड़ा सा व्यायाम करना बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें ग्रहण करें जो आपके शरीर को हल्का मगर तंदुरुस्त महसूस करवाए। इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सही विचार। तो ध्यान हमें इसी चीज़ में सक्षम करता है कि सही सोच के साथ हम अपने शरीर मन और आत्मा को एक अच्छे संतुलन में लेकर आ सकते हैं। जो व्यक्ति संतुलित होता है वो जीवन में हमेशा शांत और खुशहाल महसूस करता है। परिस्थिति कोई भी हो वो व्यक्ति हर परिस्थिति को खुशहाली से आसानी से संभाल सकता है। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और अपनी इसी शक्ति को और बढ़ाते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, चेहरे पर एक मुस्कान रखें, आंखें बंद कर लें और हथेलियां गोद में रख दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और अब मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला होने दें, कंधों को गिरने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और अगली सांस मुंह से छोड़ते हुए अपनी कमर को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें, पैरों को ढीला छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, रोकने के बाद अब इसे मुंह से बाहर छोड़ते जाएं और अपने जबड़े को ढीला छोड़ दें, दांतों को भीचे नहीं, माथे को, कानों के आसपास की मांसपेशियों को, सब को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आने दें। किसी भी तरह का तनाव शरीर में हो तो उसे अब पिघलने दें, शरीर से बाहर पिघल कर जाने दें। अपनी मांसपेशियों, हड्डियों, कोशिकाओं में इस लंबी गहरी सांस को जाने दें जिससे कि वहाँ भी स्थित किसी भी तरह का तनाव आसानी से शरीर से बाहर निकलता जाए। ध्यान रखें कि अंधकार को ख़त्म करने के लिए हमें उससे लड़ना नहीं होता, हमें सिर्फ रोशनी को रोशन करना होता है। तो संसार की दिव्य शक्ति को अपने अंदर समाएं और हर सांस के साथ शरीर को इस दिव्य रोशनी से उज्जवल होता हुआ महसूस करें। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस शरीर को अपना आभार ज़रूर प्रकट करें। ये करने के लिए सिर्फ कुछ पल अकेले बैठकर इस शरीर को शुक्रिया कहना ही काफ़ी है। ये शरीर कितनी आसानी से हर तरह का भोजन अपने अंदर समा लेता है और उससे आपको शक्ति प्रदान करता है। इस शरीर के सारे अंगों को अपना आभार प्रकट करें। जब हम अपने शरीर से जुड़ पाते हैं, अपने शरीर को आभार प्रकट कर पाते हैं, तो हम इस शरीर को इजाज़त देते हैं कि ये भी हमारा साथ दे। तब हमारा शरीर भी हमें बीमारियों से मुक्त रखता है, हमें वो शक्ति देता है जिससे हम कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर सर्वोच्च शक्ति है, कोई किसी से बेहतर नहीं। सब में वही दिव्य शक्ति है जो इस पूरे विश्व को संचालित कर रही है। फर्क है तो सिर्फ उसके बारे में जागरूक होने का। गला सबके पास है पर उसी गले से कुछ लोग कटु वचन बोलते हैं और कुछ लोग गा के सबके मन को बहला देते हैं। तो अपनी उस शक्ति के बारे में जागरूक होइए, अपनी मांसपेशियों के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपको आज तक अपने शरीर को उठाने में मदद करता है। इस दुनिया में किसी भी तरह के वजन को जब आपने देखा है
उसे उठाने में मदद करता है। अपने पैरों को, टांगों को अपना शुक्रिया अदा कीजिए, जिसकी वजह से आप हमेशा एक आज़ादी महसूस करते हैं। कहीं भी कभी भी आप जा सकते हैं, चल सकते हैं। एक जगह पर आप जड़ नहीं हैं। अपने इन हाथों को, उंगलियों को, बाजुओं को धन्यवाद कीजिए। हर उस चीज़ पर जब हम ध्यान देते हैं जो हमारी चेतना को खुशहाली देता है, उससे हम अपने जीवन को एक सही दिशा देते हैं। दिशाहीन जीवन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक नाव जो नहीं जानती कि उसे किस किनारे जाना है। तो आज से आभार व्यक्त करने के इस भाव को अपने जीवन में शामिल करें और इसको अपने शरीर और दिमाग के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ पल इस शांत स्थिति को महसूस करें और देखिए कि किस तरह से आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका मन अब आपकी सहायता करने के लिए सक्षम है और हर काम में आपका साथ देगा, एक आरामदायक नींद देगा और एक शांत मन हमेशा बनाए रखेगा। एक लंबी गहरी सांस भरें और इस पूरी शक्ति को अपने अंदर समाने दें और अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसे अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। स्वागत है आपका। हर वक्त ध्यान रखें कि किस तरह से आप आज का दिन ख़त्म करना चाहेंगे, कि जब दिन ख़त्म होगा आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी और उस दृश्य को हमेशा अपनी चेतना में जीवित रखिए।